जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है और आपका धन्यवाद प्यार सपोर्ट करने के लिए। आप अगर आज ये जान पाए कि आपके घर में कौन काला जादू लेकर आ रहा है, कौन व्यक्ति आपके घर में अपशगुन लेकर आ रहे हैं, अगर आपको ये नॉलेज हो जाए, ये बातें आपको पता लग जाए, तो शायद मुझे लगता है कि आपकी कई सारी परेशानियाँ आज अभी ही खत्म हो जाएगी। तो वीडियो काला जादू अपशगुन कौन लेकर हमारे घर में शख्स लेकर आ रहा है, उसे हम कैसे पहचाने, क्या है क्या नहीं है, हम चाहे इन चीज़ों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आज एक सही जानकारी ज़रूर मिल जाएगी कि कौन हमारे घर में काला जादू लेकर आ रहा है। बस निवेदन यह है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, वीडियो को लाइक करें, और आप अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, या व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात आप कर सकते हैं, उसका फीस है, शुल्क लागू है। सबसे पहली बात कि काला जादू है या नहीं, पहला प्रश्न तो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि काला जादू कौन व्यक्ति लेके आ रहा है। मेन और मेन बात होती है कि आपके घर में वो लोग जो आपको ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको किसी ने कुछ कर दिया है, ये एक पूरा माइंड गेम, एक साइकोलॉजी है, जो हमें ये खुद के दिमाग को समझा देते हैं वो लोग कि हाँ हमें किसी ने कुछ कर दिया है, और हमारा जो माइंड है, जो हमारा मनोविज्ञान है, उसी तरह से कार्य करता है। दोस्तों, हम खुद को फील गुड फील नहीं करते हैं, हम खुद के लिए अच्छा फील नहीं करते हैं, और बस ये अच्छा फील कई दिनों तक नहीं करना, कई घंटों तक नहीं करना, हमारे शरीर के लिए बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि हम जब अच्छा फील नहीं करेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हाँ किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ अपशगुन है, कुछ कालापन है, या किसी ने कुछ काला जादू करके रखा है। ये सीधा से एक माइंड गेम है, एक स्वच्छ दिमाग को, एक पॉजिटिव माइंड सेटअप को पूर्णतः नेगेटिव करने का, बस सिर्फ एक बात कि आप पर किसी ने कुछ कर दिया। देखिए, परेशानी हर एक के जीवन में होती है, चाहे मेरा जीवन हो, आपका जीवन हो, इस दुनिया में चाहे कोई भी शख्स, उसकी निजी परेशानी हमेशा उसके साथ, वो जब तक जीवित है तब तक उसके साथ सर्वाइव करेगी, और वो एक पॉजिटिव उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो जैसे भोजन ज़रूरी है, वैसे ही ये चीज़ें हमें जीवन में आगे हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाए रखने के लिए सब चीज़ें चलती रहती है, अप एंड डाउन सबके जीवन में आता रहता है। लेकिन इस डाउनफॉल में कोई व्यक्ति हमें ये आइडेंटिफाई कर देता है कि आपको किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में चले जाते हैं, और खुद को वैसा ही, आप खुद वैसा रिएक्ट करते हैं ना चाहते हुए भी। तो सबसे पहली बात कि ऐसी किसी भी धारणा को कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर रखा है, या ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसको अपने दिमाग से आज अभी निकाल दें। आप खुद को समझाएं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, और मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझ पर भोलेनाथ की कृपा है। जैसे आप ये खुद को फील कराना, रोज़ फील करना शुरू कर देंगे 5-8 दिन, तो ये जो नेगेटिविटी है आपसे बाहर हो जाएगी और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक और बहुत सरल और बहुत ही जटिल तरीका है। वो जटिल इसलिए क्योंकि इसको करना, कह देना मेरे लिए बहुत आसान है, पर आपको इसको समझाना और इस जटिलता को भुनाना बहुत कठिन है। इसलिए इस कठिन को आप सरल बनाएं, इसे करें, अपने निजी जीवन में अनुभव करें, और जब भी कोई भी आपका दोस्त मित्र ऐसी चीज़ से जी रहा है, उस चीज़ से परेशान है, तो उसे ये समझाएं। जय श्री महाकाल।